नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अर्थशास्त्र का प्राध्यापक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हैं आज एक नया वीडियो लेक्चर लेके, जिसका नाम है एकाधिकार बाजार। आज हम डिस्कस करेंगे कि एकाधिकार बाजार होता क्या है, एकाधिकार बाजार में किसी वस्तु की उत्पादन की मात्रा और कीमत का निर्धारण किस तरीके से होता है, अल्पकाल में संतुलन किस प्रकार से होगा और दीर्घकाल में किस प्रकार से होगा। जैसा कि हमने देखा, इससे पहले हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की कीमत और उत्पादन की मात्रा के निर्धारण को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एकाधिकारी बाजार में किस तरीके से वस्तु की कीमत और उसकी उत्पादन की मात्रा का निर्धारण होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एकाधिकार से हमारा मतलब क्या है। एकाधिकार, जिसको अंग्रेजी के मोनोपोली शब्द के द्वारा व्यक्त किया जाता है, मोनो का अर्थ होता है एक और पोली का अर्थ होता है अधिकार। इसी तरीके से एक प्लस अधिकार से मिलकर एकाधिकार बनता है। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और जिस वस्तु का वह उत्पादन करता है उसका कोई निकट स्थानापन नहीं होता है। हमें दो चीजें ध्यान देनी है जब हम परिभाषा को डिस्कस करेंगे। एक तो कि किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होना चाहिए, लेकिन एकाधिकार की यह डेफिनेशन पूरी नहीं है। हमें यह देखना होगा कि किसी वस्तु का एक ही विक्रेता हो, एक ही उत्पादक हो, लेकिन उस वस्तु का कोई निकट प्रतिस्थानापन नहीं होना चाहिए। निकट प्रतिस्थानापन का मतलब है कि उस वस्तु की जगह अगर किसी दूसरी वस्तु से काम चल जाएगा तो उस स्थिति को हम एकाधिकार नहीं कहेंगे। आइए कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई हैं। सबसे पहले प्रोफेसर लेफ्टविस के अनुसार, एकाधिकार बाजार की वह दशा है जिसमें एक फर्म उस वस्तु के उत्पादन को बेचती है जिसका स्थानापन उपलब्ध नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि संपूर्ण बाजार में केवल एक ही फर्म होती है और उस वस्तु के नजदीक की कोई ऐसी वस्तु भी नहीं होती जिसकी कीमत या जिसकी बिक्री एकाधिकारी फर्म की कीमत या उसकी बिक्री को प्रभावित कर सके। अर्थात लेफ्टविस के अनुसार, एकाधिकार बाजार की वह दशा है जिसमें किसी एक फर्म उस वस्तु के उत्पादन को बेचती है जिसका कोई निकट स्थानापन नहीं होता। इस प्रकार उस वस्तु का संपूर्ण बाजार एक ही फर्म के लिए होता है। इसके साथ साथ उस वस्तु के नजदीक की ऐसी कोई दूसरी वस्तु नहीं होती जिसकी कीमत और बिक्री एकाधिकारी वाली वस्तु की कीमत और बिक्री को प्रभावित कर सके। आइए अब हम कोटस्वामी की डेफिनेशन देखते हैं। उनके अनुसार एकाधिकार एक बाजार की वह स्थिति है जिसमें एक विक्रेता होता है और उससे उत्पादित वस्तु का कोई निकट विकल्प नहीं होता है। इसके साथ साथ नई फर्मों की उस बाजार में प्रवेश के लिए कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ बाधाएं होती हैं। ये एकाधिकार की परिभाषा है। अर्थात एकाधिकार में तीन चीजें उभर के सामने आई जो डेफिनेशन में डिस्कस की, कि केवल एक विक्रेता होता है, उस वस्तु का कोई निकट स्थानापन नहीं होता और नई फर्म के प्रवेश में कोई ना कोई बाधाएं होती हैं। आइए एक बार हम एकाधिकार की विशेषताएं देख लें। पहले एक विक्रेता और अधिक क्रेता। एक ही विक्रेता होता है लेकिन क्रेताओं की संख्या काफी अधिक मात्रा में होती है। इसके बाद अभी हमने डिस्कस किया था निकट स्थानापन का अभाव होता है, यानी निकट की कोई दूसरी वस्तु नहीं होती जिसमें उस वस्तु की जगह उसको प्रतिस्थापित किया जाए। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसी वस्तु जिसकी मांग की आड़ी लोज शून्य हो। हमने मांग की आड़ी लोज डिस्कस की थी कि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको आड़ी लोज का है। अब हम कह रहे हैं कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो जिसकी कीमत में परिवर्तन उस वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं, अर्थात उसकी मांग की आड़ी लोज सभी वस्तुओं के लिए, जो भी वस्तुओं की हम कल्पना कर सकते हैं उनके लिए शून्य है। तीसरी विशेषता है कि एकाधिकार जो होता है वो अपनी कीमत खुद निर्धारित करता है। अगर मैं पूर्ण प्रतियोगिता से इसको कंपेरिजन करूं तो हमने कहा था कि फर्म जो है वो केवल कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारक नहीं होती, लेकिन एकाधिकार में ऐसा नहीं है। एकाधिकार में फर्म
कीमत के बारे में फर्म केवल एक चीज का निर्धारित कर सकती है, या तो उस वस्तु की कीमत या उस वस्तु की मात्रा, दोनों को एक साथ फर्म जो है वो प्रभावित नहीं कर सकती, केवल एक चीज को प्रभावित कर सकती है, दोनों का उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ एकाधिकार की विशेषताएं थी। इसके बाद नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, हमने पहले डिस्कस किया था कि एकाधिकार में नई फर्मों का उत्पादन उस वस्तु के लिए नहीं हो सकता क्योंकि नई फर्मों के प्रवेश पर रुकावटें हैं। अगली विशेषता है कि फर्म जो है अधिकतम लाभ प्राप्त करने की कोशिश करती है और बाजार पर पूर्ण जो नियंत्रण है वो रखना चाहती है। इसके बाद मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होता है। अब ध्यान दीजिए, हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कहा था कि मांग वक्र जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक सीधी रेखा होती है, अर्थात औसत आगम और सीमांत आगम एक साथ होता है, जबकि एकाधिकारी बाजार में मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा उसको समझते हैं हम। ऐसा एक कर्व हमने देखा था एकाधिकार में, जो हमने बताया था कि एआर और एमआर जो है वो एक समान है, यानी कितनी भी क्वांटिटी हम खरीदें या बेचें लेकिन उसकी कीमत जैसे डायग्राम में दिखाई गई है चार ही रुपए रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसके विपरीत जो एकाधिकारी बाजार है उसमें एआर और एमआर कर्व नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, यानी मांग कर्व जो हमने डी इज इक्वल टू ए आर के द्वारा दिखाया है, ए आर को हम मांग कर्व कहते हैं, ये नीचे की ओर झुका हुआ होता है। इसका कारण क्या है कि एकाधिकारी को अपनी वस्तुओं की अधिक मात्रा को बेचने के लिए उसकी कीमत घटानी पड़ेगी, यानी एक ही कीमत पे सारा सामान विक्रय नहीं होगा। अगर उसे ज्यादा मात्रा में अपनी वस्तु का उत्पादन बेचना है तो उसे कीमत कम करनी पड़ेगी, जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में कि एक वस्तु है तो उसको बेचने के लिए उसका कीमत 70 रुपए है, यहां 70 रुपए है, लेकिन मांग कर्व नीचे की तरफ क्यों है, क्योंकि दूसरी वस्तु बेचने के लिए हम 70 में नहीं बेचेंगे उसको, हमें कम में बेचेंगे। कितने में बेचा, 50 में बेचा दूसरी वस्तु को, तो दोनों का मिला के कितना हो गया टोटल रिवेन्यू, 120। इसी तरीके से जब तीसरी वस्तु अगर हम बेचते हैं तो और कम करना पड़ेगा हमें कीमत, यानी तीसरी वस्तु की कीमत केवल 30 रुपए होगी। अर्थात एकाधिकारी बाजार में वस्तु का मांग कर्व ऋणात्मक ढलान वाला होता है, क्योंकि एकाधिकारी को अपना अधिक सामान बेचने के लिए उसे अतिरिक्त जो नई इकाइयों की वो बिक्री करेगा उसके कीमत जो है वो कम रखनी पड़ेगी, तभी उसकी अतिरिक्त इकाइयों की बिक्री होगी, जबकि एक पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं था। अगली विशेषता है कि एकाधिकारी फर्म उद्योग भी होती है। फर्म और उद्योग का अंतर समाप्त हो जाता है क्योंकि एक ही फर्म होती है, इसलिए वही उद्योग है और वही फर्म है। फिर एक विशेषता है एकाधिकारी बाजार की कीमत विभेद, यानी एकाधिकारी क्योंकि उस वस्तु का अकेला उत्पादक है तो वो ग्राहकों के अलग अलग समूह को वो एक जैसी वस्तु की अलग अलग कीमतें ले सकता है, जिसको हम कीमत विभेद या विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं। किसी अगले लेक्चर में हम इसके अंतर्गत देखेंगे कि कीमतों का निर्धारण कैसे किया जाता है। इसके साथ साथ एकाधिकारी बाजार की कुछ विशेषताएं और हैं जो मैंने यहां नहीं दिखाई, जिनमें इम्पोर्टेंट है कि उसमें कोई भी विक्रय लागत नहीं होती, अर्थात एडवर्टाइजमेंट वगैरह का कॉस्ट नहीं होता, केवल अगर कोई नई वस्तु आई है तो उसकी सूचना देने के लिए उसको थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट एकाधिकारी को करनी पड़ सकती है, अर्थात एकाधिकारी बाजार में जो विक्रय लागतें होती हैं वो काफी कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। आइए अब हम एकाधिकार के प्रकार कह लें या एकाधिकार के उत्पन्न होने के कारण कह लें, कि जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए उसी हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला है प्राकृतिक एकाधिकार, यानी जब जल, वातावरण और अन्य प्राकृतिक कारणों के कारण किसी देश या किसी विशेष क्षेत्र में एकाधिकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे प्राकृतिक एकाधिकार कहते हैं। यानी एकाधिकार उत्पन्न किस लिए होगा कि कुछ जो साधन है वो कुछ देशों में ही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि प्रकृति ने वो कुछ देशों में ही दिया है, इसलिए प्राकृतिक एकाधिकार हो जाएगा। जैसे अरब देशों में तेल दिया है तो ये, या अफ्रीकन कंट्रीज में हम कहते हैं सोना दिया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उनका इन वस्तुओं के उत्पादन में एकाधिकार हो जाएगा। एकाधिकार इसलिए उत्पन्न होता है कि कुछ चीजें जो हैं वो किसी खास देशों में दी हुई हैं, सब देशों में वो उपलब्ध नहीं है। इसी तरीके से कानून, कई बार कानून बनाई जा सकती है, तो उस कानून के द्वारा क्या है, हमने कानून बना दिया, जैसे हरियाणा में बिजली की आपूर्ति हरियाणा स्टेट
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देगा, सरकार ने बना दी ना कानून, दूसरी नई फर्में आके उसको नहीं दे सकती, तो कानून के कारण भी एकाधिकार उत्पन्न हो सकते हैं क्योंकि कानून ने कह दिया। जैसे इंडियन रेलवे है, हम पूरे अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो रेल केवल भारतीय सरकार चला सकती है, तो वहां कानून ने एकाधिकार दे रखा है। कानूनी एकाधिकार, एकाधिकार एक प्रकार भी हो सकता है और कानून के द्वारा एकाधिकार उत्पन्न भी होते हैं। इसी तरीके से सामाजिक एकाधिकार है, इसमें क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो समाज अपने पास रखना चाहता है, जैसे डाक, रेलवे वगैरह, तो वहां भी एकाधिकार उत्पन्न हो सकता है। कई बार कुछ वस्तुओं की लागत जो है वो अगर हम छोटा छोटा उत्पादन करेंगे तो वो लागतें बहुत ज्यादा होंगी। जैसे मान लो किसी शहर में पानी की सप्लाई करने की 6 फर्में हैं, तो सभी अपनी अगर अलग अलग पाइपलाइन बिछाएंगी तो उसके कारण लागत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए किसी एक फर्म के लिए उसका जो उत्पादन करना है वो आसान होता है। इसके साथ साथ कई बार जब हम बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं तो उसके कारण उसकी लागतें घट जाती हैं। इसी प्रकार से कई बार हमें उत्पादन करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में निवेश की जरूरत होती है, तो सब फर्में नहीं दे सकती, कोई एक दो फर्म होती है, अगर एक ही फर्म होगी तो उसके कारण, इन सब कारणों के कारण एकाधिकार उत्पन्न हो सकता है, जिसको हम लागत या बाजार एकाधिकार कहते हैं। फिर कई बार क्या होता है कि कुछ उद्योग आपस में मिलके अपना ट्रस्ट बना लेते हैं, अपना संगठन बना लेते हैं, जैसे ओपेक का नाम सुना होगा, कई देशों ने एक संघ बना लिया, स्वेच्छा से इकट्ठे हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक साथ उत्पादन की मात्रा और कीमत का निर्धारण करेंगे। तो ये क्या है, औद्योगिक ऐच्छिक एकाधिकार है, और एक एकाधिकार का प्रकार पूर्ण एकाधिकार और अपूर्ण एकाधिकार के रूप में भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे कि मांग की आड़ी लो सुनने होती है, तो वो तो शुद्ध एकाधिकार हो गया, लेकिन कुछ स्थितियों में वो सुनने नहीं होती लेकिन बहुत कम होती है, तो उसको भी हम एकाधिकार में इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए उसको हम अपूर्ण एकाधिकार कहते हैं क्योंकि सुनने से थोड़ी ज्यादा है। जैसे कि मान लो इंडियन रेलवे है, आप इंडियन रेलवे से भी सवारी कर सकते हो लेकिन जहाज से भी कर सकते हो, या कुछ केसेज में बस से भी कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मांग की आड़ी लोच है वो सुनने ना होके कम है लेकिन सुनने नहीं है, तो इसके कारण जो एकाधिकार उत्पन्न होगा वो पूर्ण एकाधिकार नहीं होगा, वो अपूर्ण एकाधिकार होगा। आइए अब हम एकाधिकार में फर्म के संतुलन की शर्तों को पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम ये जानेंगे कि फर्म संतुलन में है। हमने पहले भी डिस्कस किया था पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, मैं आज आपको फिर से बताना चाहूंगा कि संतुलन से हमारा क्या अभिप्राय है। किसी भी बाजार में जब हम संतुलन की बात करते हैं, ये तो बाजार के संतुलन की बात है, संतुलन का मतलब है कि जहां हम हैं वहीं रहना चाहते हैं, यानी जिस स्थिति में हम हैं उसी स्थिति में रहना चाहते हैं, उससे हम कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज हमें चाहिए, जो हमारा उद्देश्य है, वो उसी जगह पूरा होता है। अगर हम उसमें परिवर्तन करेंगे तो हम जो अगर हमारा मैक्सिमाइजेशन का या मिनिमाइजेशन का जो एम है वो हट जाएगा। तो यहां पर बाजार में संतुलन का क्या मतलब हुआ? संतुलन का मतलब यह हुआ कि वो स्थिति जहां फर्म के लाभ अधिकतम है, यानी फर्म वहां संतुलन में होगी। अब वहां ये सब को ध्यान रखना, वहां का मतलब है कि उत्पादन की एक पार्टिकुलर मात्रा और एक पार्टिकुलर कीमत, जहां पर उसके लाभ अधिकतम हो तो हम कहेंगे ये संतुलन में है, यानी वहां से फर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती, न तो कीमत को घटाना बढ़ाना चाहती है, न उत्पादन की मात्रा को घटाना बढ़ाना चाहती है, तब हम कहेंगे कि फर्म संतुलन में आ गई। ऐसा क्यों है? क्योंकि उस स्थिति में उसको सबसे लाभ जो मिल रहे हैं वो अधिकतम है। लेकिन अल्पकाल में कई बार लाभ की बजाय हानि भी हो सकती है, तो अगर हानि की स्थिति है तो हानि न्यूनतम हो, कम से कम हानि हो। अगर फर्म को हानि हो रही है तो इसका मतलब संतुलन से हमारा मतलब है कि उत्पादन की मात्रा और कीमत का वो संयोग जहां फर्म के लाभ अधिकतम हो या हानि न्यूनतम हो। अब ये स्थिति ज्ञात करने के लिए, वो कीमत और उत्पादन की मात्रा ज्ञात करने के लिए दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है, जिसको हम सीमांत शर्तें कहते हैं। पहली शर्त है कि जो संतुलन का बिंदु वहां पर होगा जहां पर सीमांत आगम, जिसको हम MR कहते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू कहते हैं, और सीमांत लागत एक दूसरे के बराबर हो। सीधे शब्दों में जहां MR और MC एक दूसरे के बराबर हो, ये हमने एकाधिकार में डिस्कस किया था, वही शर्तें रहेंगी किसी भी बाजार में हम जाएं, क्योंकि ये मैथमेटिकली ड्राइव्ड शर्तें हैं कि टोटल रिवेन्यू वहां मैक्सिमम होगा जहां MR और MC एक दूसरे के बराबर होंगे।
सॉरी टोटल प्रॉफिट वहां ज्यादा होगा जहां एमआर और एमसी एक दूसरे के बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एकाधिकारी या कोई भी फर्म उत्पादन उस बिंदु तक करेगा जहां एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो आय प्राप्त होती है, आगम प्राप्त होता है, और उस अतिरिक्त इकाई की को बनाने में जो उत्पादन लागत होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में फर्म का जो संतुलन बिंदु होगा यानी उसके लाभ वहां अधिकतम होंगे। तो पहली शर्त है जहां एमआर और एमसी एक दूसरे के बराबर हो, पहली शर्त। लेकिन ये शर्त आवश्यक है, आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो हमारा एमसी है वो दो तीन बिंदुओं पे एक बराबर हो सकती है, दो बिंदुओं पर आसानी से हो सकती है क्योंकि वो यू आकार का होता है, तो दो बिंदु पर हमारा एमआर और एमसी बराबर हो सकता है। तो दोनों पर तो संतुलन होगा नहीं, संतुलन तो एक ही स्थिति मैंने बताई, तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी दूसरी कंडीशन की जरूरत है। अगर दोनों कंडीशंस एक साथ पूरी होंगी तब वो आवश्यकता और अनिवार्यता की दोनों शर्तें पूरी हो, सॉरी आवश्यकता और पर्याप्तता की दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। तो दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि जो हमारा एमसी कर्व है, सीमांत लागत वक्र है, वो ऊपर की ओर उठता हुआ होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सीमांत लागत वक्र जो है वो जब सीमांत आय वक्र को काटे, दो वक्र जब काटते हैं आपस में तभी वो बराबर होते हैं। एमआर और एमसी कहां बराबर होंगे, जहां एमआर और एमसी काटेंगे, तो जिस बिंदु पर वो काटें उस बिंदु पर जो एमसी कर्व है वो एमआर कर्व को नीचे से काटे, या नीचे से काटने का मतलब है वो ऊपर की तरफ उठता हुआ होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाए, कौन कौन सी दोनों शर्तें, एमआर एमसी के बराबर हो और एमसी कर्व एमआर कर्व को नीचे से काटे, तो हम कह सकते हैं कि संतुलन का जो बिंदु होगा वो होगा जहां उसके लाभ अधिकतम होंगे या हानि न्यूनतम होगी। ठीक है, इसको हम ग्राफ के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। ये हमने ग्राफ बनाया है, एक एक्स एक्सिस है हमारा, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी लिया है, मात्रा लिया है वस्तु की, और वाई एक्सिस पे हमने कीमत, लागत या रिवेन्यू, जिस चीज की भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको हम ले सकते हैं। ये हमारा एमआर कर्व है, हमने अभी पहले देखा था, नीचे की ओर नेगेटिव स्लोप वाला होगा। ये एमसी कर्व है। अब जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि वो एक दूसरे को कहां काटेंगे, एक दूसरे के बराबर कहां होंगे, जहां वो एक दूसरे को काटेंगे। तो सबसे पहले जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको एमआर कर्व बनाना है जो नेगेटिव स्लोप होगा, एमसी कर्व बनाना है जो यू शेप का होगा, जहां दोनों एक दूसरे को काटें उस बिंदु को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। ये बिंदु कौन सा है, ये आपका संतुलन का बिंदु है, ई बिंदु ये जो हमने लिया है संतुलन का बिंदु है, ये ई बिंदु है, संतुलन का बिंदु है। क्यों है, क्योंकि यहां पे एमसी और एमआर एक दूसरे के बराबर है। पहली शर्त पूरी हो गई, एमसी और एमआर बराबर है ई बिंदु पे। दूसरी शर्त थी कि एमसी कर्व जो है वो एमआर कर्व को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। ये यहां पे नीचे से काट रहा है ना, ऐसे नीचे से आके काट रहा है एमआर कर्व को, या ये ऊपर की ओर उठता हुआ होना चाहिए, किसी तरीके से बता सकते हो। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो ई बिंदु है वो हमारा संतुलन का बिंदु है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एमआर कर्व बनाना है, फिर हमने एमसी कर्व बनाना है, फिर संतुलन का बिंदु ढूंढना है, और फिर संतुलन की मात्रा ढूंढनी है जो यहां पे मैंने ओ क्यूई के द्वारा दिखाई गई है। क्यूई क्या है, आपकी संतुलन उत्पादन की मात्रा है। संतुलन उत्पादन की मात्रा का मतलब कि यहां पर इस स्थिति पर फर्म के लाभ या तो अधिकतम है, अगर उसको हानि हो रही है तो न्यूनतम है, उसको लाभ होता है या हानि होती है वो हमें अभी नहीं पता, वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, देखेंगे कैसे प्राप्त होता है। अब संतुलन की दोनों शर्तों का हमने चित्र द्वारा निरूपण कर दिया, ये हमारा एमआर कर्व है, ये एमसी कर्व है, ये ई कर्व है, बना दिया हमने, वही डायग्राम है वहां से मैंने फिर से दोबारा बनाया इसको। अब हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि संतुलन का तो ज्ञात हो गया हमें, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि फर्म को प्रति इकाई कीमत कितनी होगी, कीमत का हमें नहीं पता, उत्पादन की मात्रा का पता लग गया कि ओ क्यू ई के बराबर उत्पादन की, संतुलन उत्पादन की मात्रा होगी। तो अगर हमें औसत कीमत का अगर ज्ञात करना है तो हमें उसके लिए ए आर कर्व की जरूरत पड़ेगी। मैंने यहां ए आर कर्व बना दिया, ये हमारा ए आर कर्व है। अब इस ए आर आपको क्या देखना है कि ये जो क्यू ई बिंदु है ये उत्पादन की मात्रा है, तो इस उत्पादन की मात्रा पे ए आर कितना है, ऐसे सीधी लाइन ले जाएंगे हम, इस पे ए आर कितना है, इस बिंदु पे कटेगी, तो इसका मतलब कि जो क्यू ई एफ जो है वो कीमत है। यानी यहां पे अगर आप देखोगे तो ओ पी ई, ओ पी ई क्या है, हमारा संतुलित कीमत है। तो यहां पे हमने दोनों शर्तों को देखा, फिर हमने देखा
कि संतुलन उत्पादन की मात्रा कितनी है OQE के बराबर और संतुलित कीमत कितनी है OPE के बराबर। ठीक है, ये चीजें हम रिपीट करेंगे। अब हमने संतुलन देख लिया, हमें यह भी पता लग गया कि औसत कीमत कितनी होगी। ये ध्यान रखना, यह औसत कीमत है जो ये है, ये सिर्फ औसत कीमत है, ये कुल कीमत नहीं है, ये सिर्फ औसत कीमत है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम यहां से हमने ये पता लगा लिया कि संतुलन की मात्रा में हमारे उत्पादन की मात्रा कितनी है और हमारी संतुलित कीमत कितनी है, औसत कीमत कितनी है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि फर्म को लाभ मिल रहे हैं या हानि मिल रहे हैं। वो कैसे पता लगेगा, उसको ज्ञात करने के लिए हमें एसी करो का ज्ञान होना जरूरी है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो एकाधिकार है उसमें पूर्ण प्रतियोगिता की तरह अल्पाधिकार के लिए अलग स्थितियां होंगी और दीर्घकाल के लिए अलग स्थिति होंगी। तो आइए अब हम एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल का डिस्कस करेंगे, अल्पकाल में कीमत निर्धारण को डिस्कस करेंगे। अब हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि जो अगर एकाधिकारी है, एक ही बेचने वाला है, तो वो अल्पकाल हो या दीर्घकाल हो उसे लाभ ही मिलना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एकाधिकारी अल्पकाल में असामान्य लाभ प्राप्त करते हुए भी हो सकता है, सामान्य लाभ प्राप्त करते हुए भी हो सकता है और न्यूनतम हानि वाला भी हो सकता है। ये तीनों चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आगे फिर डिस्कस कर लेंगे एक बार। लेकिन ये समझना हमें जरूरी है कि एकाधिकार में अल्पकाल में फर्म को, जो एकाधिकारी फर्म तो है लेकिन उसको असामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है, उसको सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं और वो हानि में भी हो सकती हैं। तीनों स्थितियों में उसे उत्पादन करना पड़ सकता है, जैसा कि हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी देखा था। अब उसे असामान्य लाभ मिलेंगे, सामान्य लाभ मिलेंगे या हानि होगी, ये डिपेंड करेगा कि जो औसत लागत है और औसत कीमत है उन दोनों में क्या अंतर है, औसत लागत और औसत आय का अंतर कितना है, यानी बाजार की लागत दशाएं क्या हैं, उन लागत के ऊपर निर्भर करेगा कि फर्म में क्या स्थिति होगी। तीनों स्थितियां हो सकती हैं, असामान्य लाभ भी प्राप्त किए करती हुई हो सकती है फर्म, सामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकती है और न्यूनतम हानि भी कर सकती है। आइए हम एक एक करके देखते हैं। असामान्य लाभ कब होंगे, जब AR, अब ध्यान से देखना यहां AR क्या है, AR है किसी वस्तु के बेचने से औसतन उसे कितनी आय प्राप्त होती है, उसका आगम कितना है, औसत आगम है। ऐसी औसत लागत है, यानी एक वस्तु को बेचने से, औसत का मतलब है कि प्रति इकाई उसकी आय कितनी है, आगम कितना है और प्रति इकाई लागत कितनी है। फिर से हम डायग्राम वही बनाएंगे आपकी सरलता के लिए, मैं फिर से एक एक करके बना देता हूं। ये हमारा MR है, ये MC है, दोनों काटेंगे। ई बिंदु आपको ढूंढ लेना है, ई बिंदु से आपको संतुलन की उत्पादन की मात्रा ढूंढ लेनी है जो OQ है, यहां से आपको AR करो बनाना है, AR करो पे संतुलन उत्पादन की मात्रा से यहां से ऊपर बढ़ेंगे, देखेंगे कि औसत आय कितनी है और औसत आय कितनी है, यहां हमें पता लग गया औसत आय है हमारी QF के बराबर, यानी OP के बराबर हमारी औसत आय है। अब हमने औसत आय तो पता कर ली, पहले भी पता की थी, वही डायग्राम, उतना ही डायग्राम मैंने दोबारा उसको रिपीट किया है। लेकिन हमें AC करो नहीं पता कहां है, लागत कितनी है, यानी इस उत्पादन की मात्रा पे, क्यों उत्पादन की मात्रा पे, हमें यह तो पता लग गया कि प्रति इकाई जो फर्म को उत्पादन बेचने से जो प्राप्त होगा वो QF के बराबर या OP के बराबर प्राप्त होगा। लेकिन हमें यह नहीं पता कि प्रति इकाई अगर वो OQ मात्रा का उत्पादन करती है तो उसकी लागत कितनी होगी। सीमांत लागत तो पता है लेकिन हमें औसत लागत नहीं पता। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम औसत लागत करो बनाएंगे। अब क्योंकि हमने पहले ही लिख लिया असामान्य लाभ मिलते हैं, तो AR जो है वो ज्यादा होगा, AC कम होगी। तो AR तो हमने देख लिया QF के बराबर है, यानी AC करो जो है वो आपका F बिंदु के नीचे से जाना चाहिए। यहां मैंने इसको बना दिया, ये नीचे से जा रहा है। तो यहां पे अभी हमें क्या देखना है कि अगर OQ वस्तु का उत्पादन होता है तो लागत कितनी होगी। क्यू से आप आगे बढ़ोगे और देखोगे कि AC करो को इस क्वांटिटी पे कहां काट रहे हैं, इस बिंदु पे काट रहे हैं जिसको हमने नाम दिया है G, यानी प्रति इकाई OQ मात्रा का जब उत्पादन करते हैं तो उसकी प्रति इकाई हमें जो आगम प्राप्त होता है वो QF के बराबर है और प्रति इकाई जो लागत है वो हमारी QG के बराबर है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि हमें
संतुलन उत्पादन की मात्रा हमने देख ली OQ, यहां पे एक इकाई बेचने से हमें आगम मिलता है QF और लागत होती है QG, इसका मतलब प्रति इकाई लाभ कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया QF माइनस QG किसके बराबर है, देखो यहां पे QF माइनस QG यानी FG के बराबर। ये औसत है, ध्यान रखना औसत लाभ है यानी प्रति इकाई लाभ है, लेकिन इकाई हमने कितनी सेल की है OQ के बराबर, या यहां लेंगे तो हम PF के बराबर, इसका मतलब कुल लाभ कितना होगा उसको, ये तो प्रति इकाई लाभ है, कुल लाभ कितना होगा ये यानी GF गुना OQ या PF, यानी ये जो क्षेत्रफल है इसका, ये वाला जो क्षेत्रफल है ये, इसके बराबर उसे कुल लाभ मिलेंगे और इनको हम असामान्य लाभ कहेंगे, सामान्य लाभ से अधिक होंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं सामान्य लाभ की स्थिति को। कुछ नहीं करना है हमें, वो डायग्राम जो हमने पहले बनाए थे उसी को रिपीट करेंगे, MR कर्व बनाएंगे, MC कर्व बनाएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन का पॉइंट देखेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट को नोट करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट को, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नोट करेंगे, इसके बाद हम AR कर्व बनाएंगे, उसके बाद हम प्रति इकाई आय देखेंगे कितनी है, जो हमने यही डायग्राम मैंने फिर से रिपीट किया है बनाया है, इतना डायग्राम सेम है, पहली स्थिति वाला ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहां पे हमने क्या करना है, सामान्य लाभ दिखाना है। सामान्य लाभ कब होगा, जब AR और AC एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी प्रति इकाई फर्म को बेचने से जो आय प्राप्त होती है और उसकी जो प्रति इकाई लागत है, जब वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो उस स्थिति को हम सामान्य लाभ करेंगे। तो इसका मतलब जब हम AC कर्व बनाएंगे यहां पे, इस डायग्राम में जब AC कर्व इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो F बिंदु से होते हुए जाना चाहिए, ये मैंने बना दिया आपके सामने, ये AC कर्व है, यानी प्रति इकाई हमारी लागत भी QF के बराबर है और प्रति इकाई हमारी आय भी QF के बराबर है, दोनों बराबर हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो असामान्य लाभ नहीं मिलेगा उस फर्म को केवल सामान्य लाभ मिलेंगे। कई बार स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है कि जब हमने ये कहा कि फर्म जितने का बनाएगी उसको उतने का ही बेचेगी और उसको नाम हम सामान्य लाभ क्यों देते हैं, इसका कारण ये है कि अर्थव्यवस्था में जब हम लागत लेते हैं तो नॉर्मल जो एंटरप्रेन्योर का लाभ है, जो उसका बनता है उसकी अवसर लागत के हिसाब से, वो हमने पहले ही उस लागत के अंदर जुड़ा हुआ है, यानी जब वो AC के बराबर होगा तो उस लागत में लाभ का भी एक अंश है, तो वो लाभ उसे वापस मिल जाएगा, इसलिए इसको हम सामान्य लाभ कहते हैं। अब तीसरी स्थिति हो सकती है हानि वाली, डायग्राम यहां भी सेम है, इतना सेम बनाओगे, पहले MR करो बना लोगे, फिर MC करो बनाओगे, फिर संतुलन बिंदु ढूंढोगे, उसके बाद संतुलन की मात्रा ढूंढेंगे, उसके बाद AR करो बनाएंगे, उसके बाद हम प्रति इकाई देखेंगे कि हमें आय कितनी मिल रही है, फिर हम लागत कर्व बनाएंगे, यहां पे लागत कर्व क्योंकि AR कम है AC ज्यादा है, तो इसका मतलब F बिंदु के ऊपर से कोई कर्व जाएगा तो वहां पे, अब हमें क्या देखना है, वही चीज हमें रिपीट करनी है, हमने ये जो संतुलन की मात्रा है यहां से आगे जाके देखना है प्रति इकाई लागत कितनी है, तो प्रति इकाई लागत हमारी कितनी है, प्रति इकाई लागत है हमारी QG, यहां से जाओगे ना आप, ये क्यू था यहां पे, यानी QG के बराबर, ठीक है, और प्रति इकाई हमारा आगम कितना है, वो भी वो QF के बराबर है, इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रति इकाई हानि हुई क्योंकि प्रति इकाई हमारी आय जो है वो QF है, ये है इतनी है, ये वाली है प्रति इकाई आय, लेकिन प्रति इकाई लागत इससे ज्यादा है, इसका मतलब फर्म को हानि होगी, कितनी हानि होगी, FG के बराबर हानि होगी, ये F है, FG के बराबर हमारी हानि हो जाएगी, ये प्रति इकाई हानि है, लेकिन कितनी इकाई हम बेच रहे हैं OQ के बराबर, तो इसका मतलब कुल हानि कितनी हो जाएगी, ये जो क्षेत्रफल है HG F एंड T के बराबर हमें हानि हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने तीनों स्थितियां देखी एकाधिकार के अंतर्गत अल्पकाल में कीमत निर्धारण को देखा। आइए अब हम एकाधिकार में दीर्घकाल में कीमत निर्धारण को देखते हैं। जब हम कीमत निर्धारण की बात करते हैं तो जब हमने कीमत निर्धारित कर ली तो हम उत्पादन की मात्रा को भी निर्धारित करते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कई बार हमें कि जब एकाधिकारी है तो वो उत्पादन कर रहा है, उसे हानि हो रही है, लेकिन वो हानि उठा के उत्पादन क्यों करेगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्यों नहीं वो उत्पादन बंद कर दे, इसका कारण ये है कि वो उत्पादन बंद करता है तो भी उसे जो बंदी लागते हैं, जो हमारी फिक्स कॉस्ट है, उसकी हानि उठानी पड़ेगी, तो इसलिए वो उस बिंदु तक उत्पादन हानि उठाकर भी करेगा जब तक उसका जो
एक इकाई से बेचने से जो आय प्राप्त होगी वो एक इकाई को बनाने में जो परिवर्तनशील लागत है जब तक वो उसे मिलती रहेगी उसके बराबर या उससे अधिक होगा एआर एवीसी से, तो उस बिंदु तक वो उत्पादन करता रहेगा। और अगर एवीसी इस बिंदु से नीचे से जा रही है, मान लो एवीसी करो हमारा यहां से जा रहा है जो मैंने बनाया नहीं, अगर एवीसी करो यहां से जा रहा है तो शटडाउन हो जाएगा, यानी इस बिंदु पर यह शटडाउन पॉइंट है, इससे आगे फर्म उत्पादन नहीं करेगी। आइए अब दीर्घकाल में कीमत निर्धारण देखते हैं। दीर्घकाल समय की वो अवधि है, दीर्घकाल में क्या होगा, दीर्घकाल में उत्पादन की वो एक लंबी अवधि है जिसमें एक अधिकारी मांग दशाओं के अनुसार अपनी पूर्ति को पूर्णतया समायोजित कर सकता है, यानी मांग के हिसाब से वो अपनी पूर्ति को घटा बटा सकता है। अगर प्लांट कारखाना नया लगाना है तो नया लगा सकता है, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन के सारे साधन हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। अब जो दीर्घकाल है उसमें जो एकाधिकारी है वो बाजार में उत्पादन का जो पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण तो उसका होता है, ठीक है, लेकिन दीर्घकाल में एकाधिकारी अपने लाभ अधिकतमीकरण के उद्देश्य के कारण बाजार में वस्तु की पूर्ति को इस प्रकार से समायोजित कर लेगा कि उसे प्रत्येक स्थिति में असामान्य लाभ ही प्राप्त होंगे। यानी दीर्घकाल में तो वो अल्पकाल में तो वो तीनों स्थितियों में उत्पादन कर सकता है, हानि उठा के भी उत्पादन कर सकता है, लेकिन दीर्घकाल में वो ऐसा नहीं करेगा। दीर्घकाल में क्योंकि एकाधिकारी अपनी पूर्ति को मांग के हिसाब से एडजस्ट कर सकता है और कीमत वो अपने हिसाब से निर्धारित कर सकता है, तो इसके कारण एकाधिकार में उसे केवल असामान्य लाभ ही प्राप्त होंगे। तो हमने क्या करना है, यहां पर असामान्य लाभ वाला डायग्राम बना देना है, सेम जो हमने पहले बनाया था वही डायग्राम रहेगा, आपको कुछ नहीं करना, एग्जैक्ट वही बनाना है, वैसे ही समझना है। केवल यहां पे जो हम कर्व बना रहे हैं वो लॉन्ग रन के बना रहे हैं, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, बाकी कोई चेंज नहीं है। ऐसा माने लाभ वाला डायग्राम हम बना देंगे और इसको हम दिखा देंगे। तो इस प्रकार से हम एकाधिकारी का दीर्घकाल में बाजार में संतुलन दिखा सकते हैं। एकाधिकार में फर्म को दीर्घकाल में केवल असामान्य लाभ मिलेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया कि एकाधिकार होता क्या है, एकाधिकार की विशेषताएं क्या है, एकाधिकार में फर्म के संतुलन को किस तरीके से हम देख सकते हैं, यानी उत्पादन और कीमत का निर्धारण किस प्रकार से कर सकते हैं। आइए हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लास्ट टॉपिक हमारा है, कई बार क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एकाधिकारी कीमत सदैव पूर्ण प्रतियोगी कीमत से अधिक होती है, यानी अगर दो मार्केट देख लें, एकाधिकारी किसी वस्तु को बनाता है और अगर वही वस्तु पूर्ण प्रतियोगिता में बने तो क्या एकाधिकारी हमेशा कीमत ज्यादा रखेगा पूर्ण प्रतियोगिता से? इसका जवाब आपको देना है कि हाँ, सामान्यतः ऐसा होता है कि एकाधिकारी जो होता है वो अपनी वस्तु की कीमत सामान्यतः ज्यादातर, क्योंकि वो अकेला रहता है, पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है, तो वह हमेशा अपनी कीमत को ज्यादा रख सकता है। तो नॉर्मली तो क्या होगा कि एकाधिकारी कीमत जो है वो प्रतियोगी कीमत से बहुत अधिक ऊंची होगी, पूर्ण प्रतियोगी कीमत से ऊंची होगी, लेकिन कुछ दशाओं में एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत को पूर्ण प्रतियोगी कीमत से नीचे रख सकता है। कुछ कारण, कुछ जगह हैं, कुछ कारण हो सकते हैं जिनके कारण एकाधिकारी कीमत कम होगी और पूर्ण प्रतियोगी कीमत एकाधिकारी कीमत कम होगी और पूर्ण प्रतियोगी कीमत अधिक होगी। ऐसा कब होगा? अगर उत्पादन घटते लागत नियम के अनुसार उत्पादन हो रहा है, यानी पैमाने के अगर बढ़ते प्रतिफल मिल रहे हैं, यानी अगर हम उत्पादन को बढ़ाने जाते हैं ना, मान लो कोई फर्म पंखे का उत्पादन करती है, अगर वो 100 पंखे बनाती है तो एक पंखा उसका 1000 रुपए का बनता है, लेकिन अगर वही फर्म अगर 10000 पंखे बनाने जाए तो हो सकता है एक पंखा 400 रुपए का बन जाए। तो इसका मतलब जब वो ज्यादा मात्रा में उत्पादन करेगी, यानी लागत घटती लागत के नियम के तहत अगर उत्पादन करेगी या पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उसको मिलेंगे, तो उसकी प्रति इकाई लागत काफी मात्रा में घट जाएगी, इसके कारण वो कीमत कम कर सकती है। कई बार क्या होता है, फर्मों को डर रहता है कि अगर वो कीमतें ज्यादा रखेंगे तो लाभ ज्यादा होंगे और उस लाभ से आकर्षित होकर कुछ नई फर्में मार्केट में एंट्री कर सकती हैं और उनके एकाधिकारी की जो स्थिति है उसको छीन सकती हैं। तो उसके कारण क्या करेंगे कि वो संभावित प्रतिद्वंदियों के डर से कीमत को बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, नॉर्मली कम रखेंगे। इसी तरीके से उन्हें डर रहता है कि अगर हम कीमत को बहुत ज्यादा ऊंचा रखेंगे तो सरकार जो है वो कुछ कंट्रोल लगा सकती है, टैक्स लगा सकती है,
ठीक है, राष्ट्रीयकरण कर सकती है। राष्ट्रीयकरण का डर भी रहता है कि अगर बहुत ज्यादा लाभ कमाएंगे, अगर उपभोक्ताओं का शोषण करेंगे, तो सरकार हमारी बिजनेस को अपने कंट्रोल में ला सकती है। इसके साथ साथ कई बार एकाधिकारी समाज में अच्छी छवि बनाने के लिए या जो सार्वजनिक प्रतिकूल प्रतिक्रिया से या बहिष्कार के डर से वो अपनी कीमत को बहुत ज्यादा नहीं रखता, उसे कम रखता है। ये था हमारा आज का एकाधिकार का पहला टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया एकाधिकार होता क्या है, एकाधिकार की विशेषताएं क्या है, एकाधिकारी बाजार में संतुलन से हमारा क्या मतलब है, संतुलन की शर्तों को हमने दोबारा डिस्कस किया, अल्पकाल में एकाधिकारी उत्पादन और कीमत का निर्धारण कैसे करता है, दीर्घकाल में किस तरीके से करता है, और लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया कि क्या एकाधिकारी कीमत सदैव पूर्ण प्रतियोगी कीमत से ऊंची होती है। इस लेक्चर में इतना ही।